हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान अर्जन के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। ये है इंटरनेट से पैसे बैंक में किस तरह से आते हैं, ये कितना सेफ है और इसे किस तरीके से किया जाए। जो लोग इंटरनेट से पैसा कमाना चाहते हैं और इस फील्ड में अभी पहला कदम रखने जा रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में हमेशा ये सवाल रहता है कि पैसे आएंगे कैसे बैंक में। तो जब भी मुझसे कोई मिलता है इस सिलसिले में, तो वो तो पहला सवाल उनका ये रहता है कि भैया आप क्या करते हैं। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग का काम करता हूँ। फिर उनका ये सवाल रहता है कि आपका अगर बाहर कंट्री से आप अगर मतलब डील कर रहे हैं, तो वो आपको पैसे कैसे भेजते हैं। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि वो डॉलर में पेमेंट करते हैं, फिर मैं उसे अपने बैंक में इंडियन करेंसी में ट्रांसफर कर लेता हूँ। लेकिन ये बीच का प्रोसेस जो मैं बताता हूँ, ये किसी को समझ में नहीं आता। मैं उन्हें पेपैल के बारे में बताता हूँ। तो ये पेपैल क्या है और ये पैसे किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, ये कुछ समझ में आना उन लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाकर आप सभी के लिए इस चीज को एक सिंपल कर दूं। तो चलिए आज पेपैल के बारे में बात करेंगे कि पेपैल से पैसा किस तरीके से अपने बैंक में लिया जाता है, क्लाइंट किस तरीके से डॉलर में पेमेंट करता है और वो डॉलर फिर इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट होकर हमारे बैंक में घुसता है। शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो अपने मोबाइल फोन से देख रहे हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि पेपैल से पैसा किस तरीके से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पेपैल के बारे में। पेपैल एक ऐसी कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर को सिंपल बनाती है। वो एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करके आपके लोकल करेंसी में आपको पेमेंट प्रोवाइड करने में मदद करती है। दोस्तों, पेपैल बहुत ही सेफ एंड सिक्योर तरीके से मनी ट्रांसफर करता है, मनी का लेन देन करने में मदद करता है। इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपके पैसे अनसेफ हैं या फिर आपका बैंक डिटेल्स लीक हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं खुद यहाँ पर 2006 से पेपैल के द्वारा मनी सेंड एंड रिसीव कर रहा हूँ। इवन वर्ल्ड वाइड लोग इस पर भरोसा करते हैं। और सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए यह है कि पेपैल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशंस मानकर चलता है, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद ही पेपैल हम लोगों के इंडिया में बिजनेस कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे अप्रूव कर रही है, तो पेपैल जेन्युइन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परमिशन के बिना पेपैल हम लोगों के इंडिया में काम नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि पेपैल में आपको पैन कार्ड और या फिर पैन डिटेल्स आपको देना जरूरी होता है। तो आइए देख लेते हैं पेपैल में आप किस तरीके से अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में paypal.com ओपन करना है, paypal.com। ये इसका लोगो देख लीजिए, ये पेपैल ये इसका लोगो है। तो आपको ये पेपैल ओपन करना है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको राइट हैंड टॉप में आपको साइन अप बटन मिलेगा, आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वो साइन अप पेज पर लेके जाएगा। याद रखिए, यहाँ पर आपको कुछ ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर साइन अप फॉर फ्री, चूज फ्रॉम द टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। पहला अकाउंट जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है वो है फॉर शॉपर्स, तो इसे आपको इग्नोर करके आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फॉर रिसीविंग पेमेंट्स। आप पेमेंट रिसीव करने के लिए इस पेपैल का अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं, तो आप फ्रीलांस सर्विस देने वाले हैं, तो इसलिए आपके लिए ये ऑप्शन ही काम करेगा। चलिए हम लोग कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही आपको वो नेक्स्ट पेज पर लेके जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा। आपका जो जेन्युइन ईमेल एड्रेस है, जिस ईमेल एड्रेस को आप रेगुलरली एक्सेस करते हैं, उस एड्रेस को ही आप यहाँ पर एंटर करें। याद रखें, पेपैल का आप लाइफ टाइम में केवल एक ही अकाउंट बना सकते हैं। मतलब आपके एड्रेस पर और आपका पैन कार्ड डिटेल्स के अकॉर्डिंगली पेपैल सारी जिंदगी में आपको केवल एक ही अकाउंट बनाने की अनुमति देगा।
हाँ, आप अगर फिर अलग से शॉपर्स अकाउंट बनाना चाहते हैं या फिर बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप अगर फ्यूचर में चाह रहे हैं कि आपका ये फ्रीलांसर अकाउंट आप कोई दूसरा वाला बना लें तो पेपल आपको ये परमिशन नहीं देगा। पेपल का डेटाबेस बहुत स्ट्रांग है, पेपल इसे चेक करता है और पेपल इसे अलाउ नहीं करेगा। तो आपका जो रेगुलर यूज वाला ईमेल आईडी है, कृपया उसे ही यहाँ पर एंटर करें और सही तरीके से एंटर करें। चलिए मैं आपको एक सैंपल यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी यहां डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आप यहां पर कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहां पर एक पासवर्ड डालना है, कोई भी पासवर्ड डालें लेकिन उसमें एक न्यूमेरिक का यूज करना है आपको। फिर आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। उसके बाद टेल अस अबाउट योर बिजनेस, यहां पर से आप सिलेक्ट करें इंडिविजुअल। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज में आपको बिजनेस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। बिजनेस कैटेगरी में आप अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में डील कर रहे हैं फ्री एज ए फ्रीलांसर तो आप यहां से अपना रिलेटेड कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सर्विसेज अदर को सिलेक्ट कर लें। बिजनेस का सब कैटेगरी में जाएं। सब कैटेगरी में भी फिर आपको यहां से कुछ सिलेक्ट करना है। अगर आप ऑनलाइन में कुछ कर रहे हैं तो कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग सर्विस भी आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर रिलेटेड जो भी आपके लिए सूट करे आप उसे दें। उसके बाद आपको यहां पर पैन कार्ड डालना है। उसके बाद फिर आपको यहां पर एक नेम डालना है, कोई भी नेम। ये देखिए, प्लीज एंटर अप टू 11 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, दिस विल शो ऑन योर कस्टमर्स कार्ड स्टेटमेंट। ये खासकर बिजनेस में जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये कंपलसरी किया गया है। ये एक बिजनेस स्टेटमेंट निकालने के लिए कि आपको कभी भी कोई अगर स्टेटमेंट कहीं शो करना पड़े कि आपका पेपैल का ट्रांजेक्शन का, तो उस पर आपका क्या नाम होना चाहिए। बहुत सारे लोग बिजनेस का जो ट्रेड नेम जो रखते हैं, बिल्कुल ये उस टाइप का है, तो आप यहाँ पर कोई भी नेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट है कोई या फिर उसका कोई यूआरएल है तो प्लीज यहाँ पर यूआरएल डाल दें। उसके बाद आप प्रोसीड करें। इससे आगे मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा अपना एक पेपैल का अकाउंट है, तो पेपैल इससे ज्यादा मुझे प्रोसीड करने नहीं देगी, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इसके बाद क्या होने वाला है। इसके बाद आपका पैन कार्ड वेरिफिकेशन होने वाला है। पैन कार्ड वेरिफिकेशन में भी आपको 2 या 3 दिन का टाइम लेगा। पैन कार्ड वेरिफिकेशन जैसे ही आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद आपके ईमेल आईडी में एक मेल आएगा कि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद आपको अपना बैंक डिटेल्स ऐड करना है। बैंक डिटेल्स ऐड करने के बाद पेपल 2-3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में दो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स भेजेगी, 10 पैसा 20 पैसा ऐसा कुछ वो भेजेगी, दो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स में। उसके बाद फिर पेपल आपको एक ईमेल भेजेगी और ये कहते हुए कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे भेजे गए हैं, आप कृपया अपने अकाउंट में पेपल के अकाउंट में लॉगिन करके वहां पर दो बॉक्स मिलेंगे, वहां पर उस बॉक्स में आपको ये बताना है लिखकर कि आपको कितने पैसे भेजे गए। ये एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है कि आपने अपना बैंक अकाउंट सही एंटर किया है, किसी तरह का कोई गलत अकाउंट में नहीं जा रहा है आपका पैसा। तो ये एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है। आपका आईडी वेरिफिकेशन हो गया, आपका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन हो गया, इसके बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करके दिखा देता हूं कि पेपल का अकाउंट होता कैसे है, आपको क्या करना पड़ता है, यहां पर किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं पैसे, मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूं। तो चलिए पेपल में मैं अपने अकाउंट पर लॉगिन करता हूं। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही आपके पास ये लॉगिन वाला पेज आएगा जहां पर कि आपको ईमेल एड्रेस और अपने पासवर्ड एंटर करके आपको लॉगिन करना है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूं। तो दोस्तों ये रहा मेरा अकाउंट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा अपना प्रोफाइल पिक्चर है और ये यहाँ पर मेरा ट्रांजेक्शन्स आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर और भी है, आप यहाँ पर डेट टू डेट देख सकते हैं कि आपने कब कैसा ट्रांजेक्शन किया है। मैं आपको ये दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर हमेशा डॉलर में आता है और वो आपका इंडियन करेंसी में ट्रांसफर हो जाता है। ये डॉलर में आया, इसे फिर इंडियन करेंसी में ट्रांसफर हो गया, फिर ये डॉलर में आया, ये इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको जो भी डॉलर में भेजा जाता है वो पेपैल में आएगा, उसके बाद आपको वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी आपके अकाउंट में किसी तरह का कोई पेमेंट रिसीव होगा तो यहाँ पर पेपैल बैलेंस में वो अमाउंट यहाँ पर शो करेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक अमाउंट विड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखिए
मेरे पेपैल के अकाउंट में 191 अमेरिकन यूएसडी है फिलहाल। तो इसे हमें बैंक में विड्रॉ कैसे करना है? फिलहाल ये अमेरिकन डॉलर में है, यहाँ डॉलर का साइन शो कर रहा है और यहाँ यूएसडी लिखा हुआ है, यूएस डॉलर। ओके, तो इसे हम लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे यहाँ पर जो भी मेरा बैंक यहाँ पर इस अकाउंट के साथ जो भी बैंक मेरा लिंक किया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग विदड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें विदड्रॉ मनी पे क्लिक करना होगा। विदड्रॉ मनी पे क्लिक करते ही आपका ये पेज खुल जाएगा, या फिर अभी पेपैल का कभी कभार एक न्यू पेज भी आता है, लेकिन मेन चीज सेम है। आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर विदड्रॉ फंड्स टू योर बैंक अकाउंट, इसे क्लिक करें। इसे क्लिक करने के बाद ये आपको एक पेज पर ले जाएगा, यहाँ पर जैसे शो कर रहा है विड्रॉ फंड्स टू योर बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर फ्रॉम दिस बैलेंस, मेरे पास बैलेंस ये है। अब ये मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं कितना विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो आप चाहें तो आप यहाँ से फुल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप अपने पर्पस के हिसाब से आप अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ये याद रखें कि आपका ये अमाउंट अगर आप विद इन 24 आवर यूज नहीं कर रहे हैं, सपोज आप किसी भी तरीके से आप अगर इसको विदड्रॉ नहीं कर रहे हैं या फिर यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये विद इन 24 आवर्स ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में विदड्रॉ हो जाएगा, मतलब बाय डिफॉल्ट ये विदड्रॉ हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप इसे खुद विदड्रॉ कर लें, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको जो डॉलर का रेट मिले, हो सकता है 2 घंटे के बाद डॉलर का रेट घट जाए, और जब ऑटोमेटिकली विड्रॉल हो उस समय शायद डॉलर का रेट घटा हुआ रहे, तो आपको घटा हुआ रेट ही मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग कैसे चेक करेंगे कि अभी क्या रेट चल रहा है। यहाँ पर करेंसी कन्वर्टर में आएंगे, करेंसी कन्वर्टर में आकर यहाँ पर 1 डॉलर को देख लेंगे हम लोग, इंडियन करेंसी, वन फ्रॉम 1 डॉलर टू इंडियन रुपी, कितना भी रेट दे रहा है पेपल। पेपल अपना कुछ कमीशन काट लेता है, तो वो 61 रुपीज 63 पैसा वो अभी फिलहाल हर डॉलर के लिए दे रहा है। तो हम वैसे 191 को ही मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने बैंक में। यहाँ पर आपको एक पर्पस सेट करना पड़ता है एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एज पर रूल्स के हिसाब से है कि आप किस पर्पस से आपके पास पैसा आ रहा है, ये पैसा आपको शो करना पड़ेगा। तो फ्रीलांस जर्नलिज्म के हिसाब से मैंने यहाँ पर सेट करके रखा है, और यहाँ पर मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। जब इसे कंटिन्यू करूंगा, तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर बाद मुझे पेज को रिव्यू करने के लिए बताया जा रहा है कि आप सब कुछ रिव्यू कर लीजिए कि आपका सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर सही प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर 191 डॉलर फिलहाल है, और यहाँ पर आपका करेंसी एक्सचेंज रेट शो कर रहा है 61 रुपीज 93 पैसा, और आपको जो कन्वर्सन के बाद आपको मिलेगा 11,830 रुपीज। तो आपको बस यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास ये पेज आएगा, योर विड्रॉल रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसेस्ड। आपका अब जो भी पेमेंट है ये विद इन 24 आवर्स या विद इन 4 to 5 डेज आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आप यहाँ पर बैंक अकाउंट या फिर अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड पे आना पड़ेगा। पेमेंट मेथड पे आने के बाद आप यहाँ पर बैंक, देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट्स आप लिंक करना चाहें तो ये प्लस साइन है, मैं और भी बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। क्रेडिट या डेबिट कार्ड में आप अगर अपने मनी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना कार्ड को ऐड कर लीजिए। जब मनी ट्रांसफर के वक्त आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि आपका पैसा किस अकाउंट में जाना है, तो वो उस अकाउंट में आपका पैसा भेज दिया जाएगा। दोस्तों, आप अगर यहाँ पर किसी क्लाइंट से पैसे मांगना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्रिएट इनवॉइस पे जाइए। क्रिएट इनवॉइस पे यहाँ क्रिएट इनवॉइस बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर, आप इस पेज पर आते ही आपका ये एक इनवॉइस पेज क्रिएट हो गया। आप यहाँ पर आपको क्लाइंट का ईमेल आईडी डालना है, क्लाइंट का ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए। आपका जो भी आपका डिटेल्स है कस्टमाइज करने के लिए, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में डालिए कि आप कितने, आपका जो भी बिल है, जैसे कि मैं यहाँ पर कंटेंट राइटिंग का काम करता हूँ, तो मैंने किसी को 2014 में ये इनवॉइस भेजा था, मैंने उसे टेम्पलेट के हिसाब से सेव कर लिया था। अब जब भी मैं किसी को इनवॉइस भेजता हूँ, तो मैं ये टेम्पलेट ओपन करता हूँ और मैं ये डेट्स एंड बाकी जो डिटेल्स है मैं उसे चेंज कर लेता हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि आपका जो भी आप डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डालिए, आप जिस जिस विषय में आप पैसा मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, किस चीज के लिए कैसा पैसा आप डिमांड कर रहे हैं, ये सारे के सारे डिटेल्स आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं। यहाँ डेट चेंज कर लीजिए आप क्लिक करके, यहाँ पर आप अमाउंट चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर आपको कोई टैक्स वाला मैटर है, तो आप यहाँ पर टैक्स का अमाउंट भी आप डाल लीजिए, नो टैक्स ऐड न्यू टैक्स जो भी है आपका वो डाल लीजिए। डाल के आपका यहाँ पर जो भी होगा ये लास्ट में टोटल आपको यहाँ पर शो करेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप क्लाइंट का यहाँ पर ईमेल आईडी डालिए, अगर आप किसी मोर देन वन ईमेल आईडी डालना है, तो वो भी आप यहाँ पर सीसी में डाल सकते हैं।
कितने दिनों के अंदर पेमेंट करना है वो आप यहाँ पर इन्वॉइस नंबर कर लीजिए, डेट का यहाँ पर इन्वॉइस डेट कर लीजिए, आज का इन्वॉइस डेट दे दीजिए, जिस दिन आप ये कर रहे हैं, ड्यू डेट कब तक क्लाइंट को पेमेंट करना है ये सब कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर सेंड कर लीजिए। अगर आपका मतलब इन्वॉइस अब इनकम्प्लीट अभी है, बाद में आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिए, बाद में फिर इसे ओपन करके कंप्लीट करके आप इसे सेंड कर दीजिए। तो दोस्तों ये तो है सिंपल सा मेथड इन्वॉइस क्रिएट करके क्लाइंट से पैसे मांगने का। और क्लाइंट को अगर आप मेल के द्वारा जस्ट सूचित करना चाहते हैं तो क्लाइंट को आप जस्ट अपने किसी भी जो ईमेल आईडी के द्वारा आप क्लाइंट को मेल करते हैं, आप उन्हें लिख दीजिए क्लाइंट को कि आप मुझे अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दीजिए, आप मुझे इस ईमेल आईडी पर पैसे भेज दीजिए। आप उसे उन्हें वही ईमेल आईडी दीजिए जिस ईमेल आईडी के द्वारा आपने ये पेपल का अकाउंट क्रिएट किया है। तो उस वक्त क्लाइंट फिर अपने अकाउंट पेपल के अकाउंट में लॉगिन करके वो आपको आपका इस ईमेल आईडी में पैसे ट्रांसफर कर देगा। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज है जो पेपैल में बहुत ही फायदेमंद चीज है, वो ये है कि अगर आप अलग अलग क्लाइंट से अलग अलग ईमेल के द्वारा डील करते हैं तो आप अलग अलग क्लाइंट से अलग अलग ईमेल के द्वारा ही आप पेमेंट डिमांड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो करना है, आपको यहाँ पर अलग अलग ईमेल आईडी इस अकाउंट के साथ ऐड करना है। तो आपका जिस अकाउंट जिस आपने जिस ईमेल आईडी के द्वारा इस अकाउंट को क्रिएट किया वो आपका प्राइमरी ईमेल आईडी रहेगा, बाकी सब सेकेंडरी बन जाएगा। तो आपको पहले ये सेटिंग्स बटन पे क्लिक करना है। सेटिंग्स बटन पे क्लिक करते ही आप अपने पर्सनल पेज पे आ जाएंगे, जहां पर पहले आपका एड्रेस रहेगा, यहाँ पर आपका पर्सनल एड्रेस शो करेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर जो जो ईमेल आईडी को ऐड किया हुआ है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको शो करने लगेगा। तो अगर आप कोई नया ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं तो प्लस बटन पे क्लिक करें, उसको ईमेल आईडी को ऐड करें और वो फिर आपका जीमेल आपका जो प्राइमरी ईमेल आईडी है वहां पर आपको वेरिफिकेशन करने को बोलेगा, आप बस उसे क्लिक करके वेरीफाई कर लें। बस आपका यही सिंपल सा प्रोसेस है जिसके द्वारा पेपैल से पेमेंट आता है और आप पेपैल से पेमेंट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पेपैल में पैसे आते हैं और उसे हम लोग अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। और अगर आप इससे भी ज्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो पेपैल के वेबसाइट में सारा का सारा डिटेल्स है। पेपैल के वेबसाइट में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा या फिर आप ईमेल के द्वारा भी अगर किसी तरह कोई ट्रेवल हो तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पेपैल इसके लिए आपको पूरा सपोर्ट देगी। तो घबराने की कोई बात नहीं, पेपैल 100% सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ से आपका ना ही बैंक अकाउंट लीक होगा, ना ही यहाँ से आपके बैंक से पैसे चोरी होंगे। तो आप पेपैल का लाभ उठाइए और ऑनलाइन में ऑफशोर क्लाइंट्स के साथ बिजनेस कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि आप केवल अपने कंट्री में बिजनेस करके आप बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं हो सकते। तो कोशिश कीजिए कि इंडिया से बाहर भी आप बिजनेस करें और अलग अलग देशों के साथ बिजनेस करने से आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपका जो फ्रीलांस सर्विस है वो भी बढ़ेगा और आप बहुत ही ज्यादा पैसे भी कमा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके दिमाग में जो इतने दिन से ये सवाल था कि इंटरनेट से पैसे अपने बैंक में कैसे लेते हैं, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जल्दी और भी नए नए ज्ञानवर्धक वीडियोस लाने वाला हूँ और ये वीडियोस आपके इंटरनेट की जिंदगी को बदल सकते हैं। तो कोई वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो मोबाइल से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।